जब भी आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आपको हाथों में फार्म लेके लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप विदाउट रेलवे स्टेशन विजिट किए अपने मोबाइल के थ्रू ट्रेन टिकट ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी वे में फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में इंटर करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे IRCTC रेल कनेक्ट। इसके बाद आप यहीं से इंस्टॉल करेंगे। मैं ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। आप जब पहली बार इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा। इसके लिए आप रजिस्टर यूजर पर क्लिक करेंगे। जब आप अपनी बेसिक डिटेल फिल करेंगे तो आपको यूजर आईडी और 4 डिजिट का पिन मिल जाएगा। यहाँ पर 4 डिजिट का पिन डालकर कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार की कुछ न्यू टैब शो होगी। सबसे पहला ऑप्शन आपको प्लान माई जर्नी का मिल जाता है। माई बुकिंग में आप टिकट की डिटेल देख पाएंगे। उसके बाद PNR का ऑप्शन मिल जाता है। PNR के जरिए टिकट की डिटेल को देख सकते हैं। नीचे आपको रिफंड स्टोरी का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप टिकट को कैंसिल करते हैं या ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो आप रिफंड स्टोरी में इसकी डिटेल देख पाएंगे। राइट साइड में आपको कैंसिल टिकट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपने टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। अपना टिकट बुक करने के लिए प्लान माई जर्नी पर क्लिक करेंगे। जिस रेलवे स्टेशन से आप यात्रा करना चाहते हैं ट्राम में इसका नाम डालेंगे। जैसे मुझे लखनऊ से यात्रा करनी है तो अमृतसर 2 में डालेंगे। लखनऊ से अमृतसर के लिए जाना है तो मैंने ट्राम में लखनऊ डाल दिया और 2 में अमृतसर डाल दिया। ऊपर नीचे आपको कोटा का ऑप्शन मिल जाता है। कोटा में आप कोच को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोटा पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप जनरल, लेडीज या तत्काल, दिव्यांग, प्रीमियम जो चाहे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं जनरल पर रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर कुछ रिसेंट डेट शो हो रही हैं। आप यहाँ से कुछ रिसेंट डेट चूज कर सकते हैं या आप यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद आप जिस डेट में यात्रा करना चाहते हैं यहाँ से चूज करें। जैसे मुझे 28 तारीख में यात्रा करनी है तो 28 तारीख पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे। प्रकार से ट्रेन सर्च होगी। यहाँ से आप जिस कोच में ट्रेवल करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसे आपको सेकंड स्लीपर में यात्रा करनी है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यदि आप स्लीपर कोच में यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ स्लीपर कोच पर क्लिक करेंगे। AC टिकट बुक करने के लिए इसके बाद AC चेयर कार रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। प्रकार से सर्च होगी। जहाँ से आप AC में बुक करना चाहते हैं बस 3 AC पर क्लिक करेंगे। 3 AC में 3 सीट अवेलेबल हैं। नीचे आप टिकट की प्राइस देख सकते हैं। इसके बाद पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। पर आपको टिकट की डिटेल देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप स्टेशन का नाम देख सकते हैं। यह सुबह लखनऊ स्टेशन से 6:10 पर रवाना होगी और यह 9 PM पर अमृतसर जंक्शन पहुंचेगी। यहां से आप इसकी अवेलेबिलिटी में इसकी सीट देख सकते हैं। 3 अभी 3 बाकी हैं। इसके बाद सेलेक्ट पैसेंजर में यात्री की इंफॉर्मेशन डालेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऊपर यात्री का नाम डालेंगे। यहां पर यात्री की एज डालेंगे। जेंडर में आप मेल फीमेल चूज करेंगे। यहाँ पर नेशनलिटी इंडिया रहने देंगे। बर्थ प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे नीचे बैठना है तो लोअर बर्थ पर क्लिक करेंगे। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। यात्री की इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड हो गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं यात्री की इंफॉर्मेशन। यहीं से आप डिलीट कर सकते हैं। यदि आपके पास 4 साल तक कोई छोटा बच्चा है तो उसकी डिटेल आप ऐड इन्फेंट पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार की यदि आपके पास मास्टर लिस्ट बनी है तो ऐड रजिस्ट्रीम पर क्लिक करके यहीं से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप यात्री का मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद योर डेस्टिनेशन एड्रेस में आप जहां पर जाना चाहते हैं उसकी डिटेल यहीं पर डालेंगे। जैसे मुझे अमृतसर के लिए जाना है तो हाँ एड्रेस लाइन 1 पर क्लिक करेंगे।
एड्रेस लाइन 2 और 3 ऑप्शनल है, यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, इसके बाद ऑटोमेटिक डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ से पोस्ट ऑफिस चूज करेंगे। यदि आप यात्री का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। इसकी आप टर्म एंड कंडीशन को रीड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आपको ₹30 चार्ज प्लस GST पड़ेगा। यदि आप भीम या UPI के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इसका चार्ज ₹30 प्लस GST पड़ेगा। मुझे UPI के जरिए पेमेंट करना है तो UPI पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ रिव्यू जर्नी डिटेल पर क्लिक करेंगे, प्रकार से सर्च होगा, और कैप्चा एड्रेस कोड डालेंगे। नीचे आप कैप्चा कोड डालकर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। UPI में आपको यहाँ से मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप पेटीएम, रोजर पे या फोन पे के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे में पेमेंट करने में समय अधिक लगता है। यदि आप पेटीएम का यूज करते हैं तो आप पेटीएम के जरिए पेमेंट करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर भीम UPI के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। भीम UPI पर क्लिक करेंगे, प्रकार से प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट यहीं से कट जाएगा। पेमेंट ऐड होने के बाद आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से टिकट को बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।